नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आपका पांडास में, यानी कि पाइथन में जो पांडास की लाइब्रेरी है उसमें हम एक डेटा फ्रेम को लाएंगे और इसमें हम जो डेट कॉलम है उस डेट कॉलम से हम मंथ कॉलम एक नया बनाएंगे आपका, और उसके अलावा आपका एक वीक डेज कॉलम और ईयर कॉलम, तो जिससे कि हम डेटा को और अच्छा एक्सट्रैक्ट कर उससे इंफॉर्मेशन निकाल सकें। तो आइए हम कैसे इसको डेट से आपका मंथ, ईयर और वीक डेज को कैसे निकालते हैं उसको सीखते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं अपना जुपिटर नोटबुक की स्क्रीन पे और इसको बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आ गए हम आपका जुपिटर नोटबुक की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडास एस पीडी। ये हमारी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर देगा और मैं आपको डेटा फ्रेम की लोकेशन दिखा देता हूँ। ये डेट कॉलम के नाम से फाइल है, इसमें सिर्फ डेट ही डेट है, इस तरफ आप देख ही रहे हैं। सबसे पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ उसकी लोकेशन, कंट्रोल सी, फिर से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ पर जाता हूँ। अब हम इसको डीएफ नाम से लिखेंगे, डीएफ के बाद करेंगे हम। अभी हमारी एक्सेल की फाइल है तो हम क्या लिखेंगे, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल, कॉमा लगाएंगे, लोकेशन देंगे, स्लैश लगाएंगे और फाइल का नाम भी कॉपी करेंगे। और फाइल का नाम कॉपी करने के लिए राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, कंट्रोल ए सी और यहाँ पे दूंगा पेस्ट। अब मैं इसमें से करता हूँ प्रिंट डीएफ, तो ये हमारी फाइल इसमें इंपोर्ट हो चुकी है। अब इसके बाद इसमें हम अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपका एक मंथ इसमें लगाना चाहते हैं तो हम यहां पे मैम बना लेते हैं df मंथ इक्वल टू df, और अपने df से हम कहां से लेंगे, आपका ये डेट जो हमारा कॉलम है उसको हम चेक करेंगे। और उसके बाद हम कमांड लगाएंगे जिससे कि जिसके अंदर क्या आ जाए आपका df dt, डेट है तो dt लिखेंगे, dt डॉट मंथ अंडरस्कोर नेम। तो ये हमारा जो आपका फंक्शन है, मतलब ये हमने लगाना है इसमें। और इसके बाद मैं करता हूँ आपका प्रिंट डीएफ, तो देखिए इसमें आपका हमने मंथ जोड़ दिया। इसी तरीके से हम इसमें आपका जो नेक्स्ट है वो जोड़ना चाहेंगे आपका इसमें वीक डेज, तो मैं दूसरे में लिख देता हूँ आपका वीक डेज। और वीक डेज लिखने के बाद इक्वल टू डीएफ, कहाँ से लेंगे हम, डेट से, डेट पूरा कैपिटल, तो मैं पूरा कैपिटल में लिख देता हूँ डेट। उसके बाद हम लगाएंगे dt डॉट strftime, ये इसकी कमांड है, और उसके अंदर हम देंगे आपका कॉमा और एंड का साइन लगा के कैपिटल ए। और उसके बाद हम लिखेंगे आपका प्रिंट df, तो ये देखिए आपका इसमें कुछ, सॉरी, स्टार लगाकर यहाँ पे हमने परसेंटेज का साइन लगाना है, सॉरी। और फिर करेंगे हम रन, तो देखिए आपका इसमें क्या आ गया, आपका ये इसमें वीक डेज भी आ गया। तो ये अगर हम इसमें कॉलम ऐड करना चाहते हैं डेट कॉलम के आगे मंथ का, वीक का, तो ये हम कर चुके हैं। और लास्टली हम क्या करेंगे, इसमें एक कॉलम और करें, मैंने कॉपी कर लिया ऊपर से। अब वीक डेज की जगह हम जो नेक्स्ट कॉलम चाह रहे हैं उसका नाम है आपका ईयर्स, डेट ही लेंगे, फॉर्मूला यहां पे चेंज कर देंगे, डॉट सिर्फ यहां पे हमने लिखना है ईयर और रन करना है। तो देखिए आपका इसमें भी, तो हमने अपनी डेट में से मंथ, वीक डेज और ईयर को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो इस तरीके से करने से क्या होगा कि हम डेटा को और अच्छे ढंग से यूज कर सकते हैं।